गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुछ प्रोनाउंस जैसे ही सी इट इट्स दिस दैट यू आई ईच नन आदि प्रोनाउंस का कैसे प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ उस वाक्य में आए हुए ए एंड दे आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है उस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विधाओं की जानकारी आवश्यक है। बोलचाल की शैली के अंतर्गत शॉर्ट आंसर्स, ग्रीटिंग्स, शिष्टाचार की बातें, इंपरेटिव सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। सब टेंसेज की जानकारी होनी चाहिए कि किस टेंस में कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, उनका आंसर कैसे बनाएंगे। उसी तरह से प्रोनाउंस की बात है, जैसे यहां यह राम है, दिस इज राम, यह राम है, दिस इज राम। अब यहां दिस क्या है, नजदीक की वस्तुओं के लिए दिस का संकेत किया जाता है, दिस इज राम। वह सीता है, दैट इज सीता, दूर की चीजों के लिए दैट, नजदीक की चीजों के लिए दिस। यानी दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, सिंगुलर नंबर के लिए। यानी सिंगुलर नंबर नजदीक किसी एक चीज के लिए दिस कहेंगे और सिंगुलर नंबर दूर की चीजों के लिए दैट कहेंगे। वह सीता है, दैट इज सीता, यह उसकी पुस्तक है, यह उसकी पुस्तक है, दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक। अब इसमें देख रहे हैं दिस भी प्रोनाउन, हिज भी प्रोनाउन, लेकिन यह हिज यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस इज हिज बुक, दैट वह उसकी पुस्तक है, दैट इज हर बुक, दैट इज हर बुक। यहां भी देख रहे हैं दिस नजदीक के लिए, दैट दूरी के लिए, सिंगुलर नंबर। वह लड़का है, ही इज ए बॉय, वह लड़का है, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। वह लड़की है, सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल। यानी सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर थर्ड पर्सन एक व्यक्ति के लिए ही आता है प्रोनाउन, और सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर थर्ड पर्सन के लिए सी आता है सिंगुलर नंबर में। जैसे वह लड़का ही इज ए बॉय, वह लड़की है, सी इज ए गर्ल। तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। मैं एक क्लर्क हूं, मैं के लिए आई आता है प्रोनाउन, आई एम ए क्लर्क, मैं एक क्लर्क हूं, आई एम ए क्लर्क। यह एक कलम है, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, दिस इज ए पेन। यह एक सेव है, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। वह एक संतरा है, दूर की चीज के लिए वह एक संतरा है, दैट इज एन ऑरेंज, दैट इज एन ऑरेंज। मैं एक भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन, इंडियन की शुरुआत आई से हो रही है, उच्चारण भी है, इसलिए आई ई हो रहा है इंडियन, इसलिए एन लगेगा। यानी जब कोई कंसोनेंट से शब्द शुरू होता है सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन होता है, यानी गिनती वाले एक वचन की संज्ञा अगर आती है और उसका उच्चारण क ख ग घ इत्यादि यानी बी सी डी कंसोनेंट से होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगता है, और ए ई आई ओ यू से कोई शब्द शुरू है और उच्चारण भी उसका अ आ ई इत्यादि स्वर से होता है तो उसके पहले एन लगता है, क्योंकि एप्पल एस से शुरू है, उच्चारण भी हो रहा था इसलिए एन लगा। पेन पी से शुरू है, प से उच्चारण हो रहा है इसलिए ए लगा,
ऑरेंज की देख रहे हैं, आ से शुरू है इसलिए एन लगा, दैट इज एन ऑरेंज। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, इंडियन भी आई से शुरू है, उच्चारण ई से हो रहा है इसलिए आई एम एन इंडियन। यही पुस्तक मैं चाहता हूं, यही पुस्तक मैं चाहता हूं, दिस इज द बुक आई नीड, जो मुझे जरूरत है या आई वांट, दिस इज द बुक आई नीड, यही पुस्तक मैं चाहता हूं, दिस इज द बुक आई नीड। अगला है, यही पेन मैंने खरीदा, द सेम पेन आई आल्सो हैव बॉट, यही पेन मैंने भी खरीदा है, द सेम पेन आई आल्सो हैव बॉट, यही कलम मैंने भी खरीदा है, द सेम पेन आई आल्सो हैव बॉट। और यहां देख रहे हैं 15 नंबर पर, यह पेंसिल है और यह मेरी है, दिस इज ए पेंसिल, पेंसिल के पहले देख रहे हैं ए लगा हुआ है, दिस इज ए पेंसिल एंड इट्स माइन, एंड इट्स माइन मतलब इट्स का मतलब इट इज माइन, इट्स का मतलब इट इज माइन, यह मेरी गाय है, दिस इज माई काउ, दिस इज माई काउ, यह मेरी गाय है, ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारे, ये मेरी पुस्तकें हैं वे तुम्हारे, तो दीज आर माय बुक्स, बहुवचन के लिए, प्लूरल नंबर के लिए, वस्तुओं के लिए या किसी भी चीज को संकेत करने के जो नजदीक में, उसके लिए दी जाता है ये, दीज का मतलब ये, और दो जो दूरी के लिए बहुवचन के लिए वे, तो ये मेरी पुस्तकें हैं, दीज आर माई बुक्स, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, दोज आर योर बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं, दीज आर माई बुक्स, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, दोज आर योर बुक्स, ये पुस्तकें मेरी हैं, वे पुस्तकें तुम्हारी हैं। देखिए इम्फेसिस आ गया, जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए, पहले था ये मेरी पुस्तकें हैं, दीज आर माई बुक्स, यह एक सिंपल सा सेंटेंस है, दोज आर योर बुक्स, यह सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन अब जब इम्फेसिस किया गया तो ऐसे हिंदी हो गई, ये पुस्तकें मेरी हैं, यानी इम्फेसिस करना, दबाव डालना, वे पुस्तकें तुम्हारी हैं, तो यहां दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स, These books are mine and those books are yours. ये तुम्हारी कापियां हैं, वे मेज पर हैं। ये तुम्हारी कापियां हैं, वे मेज पर हैं। These are your notebooks. ये तुम्हारी कापियां हैं, वे मेज पर हैं। These are your notebooks. They are on the table. ये तुम्हारी कापियां हैं, वे मेज पर हैं। दीज आर योर नोटबुक्स, दे आर ऑन द टेबल। वे मेरे कंचे हैं, वे विभिन्न रंगों के हैं। वे मेरे कंचे हैं, दूरवर्ती चीजों को संकेत किया जा रहा है। दोज आर माई मार्बल्स, वे मेरे कंचे हैं, दोज आर माई मार्बल्स। दे आर डिफरेंट, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, वे विभिन्न रंगों के हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। भारत हमारा देश है, हम उसके वासी हैं। इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। इंडिया इज आवर कंट्री, हम उसके वासी हैं। वी आर हर इनहैबिटेंट्स, वी आर हर इनहैबिटेंट्स। भारत हमारा देश है, हम उसके वासी हैं। इंडिया इज आवर कंट्री, वी आर हर इनहैबिटेंट्स। श्री शर्मा तुम्हारे अध्यापक हैं, श्री शर्मा तुम्हारे अध्यापक हैं। मिस्टर शर्मा इज योर टीचर, श्री शर्मा तुम्हारे अध्यापक हैं। मिस्टर शर्मा इज योर टीचर। कमला और विमला बहने हैं, उनकी माँ अध्यापिका हैं।
कमला और विमला वाहने हैं, उनकी माँ अध्यापिका हैं। कमला एंड विमला आर सिस्टर्स, कमला एंड विमला आर सिस्टर्स, उनकी माँ अध्यापिका हैं। तो देयर सिस्टर मदर, THEIR, देयर मदर इज ए टीचर। कमला और विमला बहने हैं, उनकी माँ अध्यापिका है। कमला एंड विमला आर सिस्टर्स, देयर मदर इज ए टीचर। 24 पर आइए, इन लड़कों में से हर एक खेल खेल, इन लड़कों में से हर एक खेल खेलता है। ईच ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से हर एक खेल खेलता है। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स, ईच ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से प्रत्येक प्लेज खेलता है गेम्स। वहां हम में से कोई नहीं गया, वहां हम में से कोई नहीं गया, कोई नहीं गया मतलब नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, वहां हम में से कोई नहीं गया। नन ऑफ अस वेंट देयर, नन ऑफ अस वेंट देयर, हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया, हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया। We enjoyed ourselves during the holidays. We enjoyed ourselves during the holidays. इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के लिए नजदीक के किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है, जैसे यह दिस, और दूर के किसी वस्तु को संकेत करने के लिए सिंगुलर नंबर होना चाहिए तो दैट बोलते हैं, दैट। वैसे ही नजदीक के प्लूरल नंबर यानी एक से अधिक चीजों को व्यक्त करने के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है, और दूर के लिए दोस का प्रयोग किया जाता है वे। और ठीक उसी प्रकार से आप यह देख रहे हैं कि ए एंड द जो आया हुआ है, ए का प्रयोग आप उन सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन से के पहले करते हैं जिनका की शुरुआत कंसोनेंट व्यंजन बी सी डी से होती है, और उच्चारण भी हिंदी के क ख ग इत्यादि से होता है, उसके पहले ए लगाते हैं, जैसे ए पेन, ए बुक। और एन का प्रयोग स्वर से शुरू होने वाले एक वचन संज्ञा के पहले होता है, जैसे आरएल्स, उच्चारण भी उसका स्वर होना चाहिए ओ आ ई, जैसे एन ऑरेंज, एन इंडियन, ये क्या है। आदि का प्रयोग जो हम करते हैं वो परिचित वस्तुओं के पहले करते हैं, नदी, पहाड़, झरने, अन्य भी जो इनकी चीजें उसके पहले एन ए द का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।